तो ये देखिए, अभी मैं अपने रेनो ड्राइवर में हूँ, गाड़ी रुकी हुई है बाहर, आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है। और इसमें जो एक हिडन फीचर है कि इसका जो पीछे वाला जो वाइपर है, चूंकि ये टॉप मॉडल है रेनो ड्राइवर का, तो इसमें जो पीछे जो वाइपर मिलता है वो ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग है। और शायद मुझे लगता है या तो इस गाड़ी में कोई खराबी है या शायद ये फीचर है, और कंपनी वालों को भी शायद ये चीज़ नहीं पता है क्योंकि मुझे ये बताया नहीं गया। और मैं किसी भी स्पेसिफिकेशन में अभी तक ये चीज़ नहीं पढ़ा कि इस गाड़ी के रियर वाइपर में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग है। और आप देखिए, ये फ्रंट है, यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों ऑफ है। अब मैं ऑफ को इसे जैसे ही मैं ये देखिए फ्रंट वाइपर चलाऊंगा, मैं इसे फ्रंट वाइपर चलाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे ऊपर पुश किया, ये फ्रंट वाइपर चला, ऊपर पुश किया, फ्रंट वाइपर चला। रियर वाइपर आप शीशे में देखिएगा तो नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे मैं ही मैं अभी ये ऑटोमेटिक वर्जन है मेरा, मैं इसे रिवर्स मोड में लगाऊंगा। आप देखिए वहां भी वाइपर नहीं चल रहा, मैं इसे अभी रिवर्स मोड में लगाता हूँ और आप देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद ये देखिए ये ऑटोमेटिक थोड़ी देर के लिए चलेगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर से चलेगा ये चीज देखिए। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये रियर वाइपर को मैंने ऑफ पोजीशन में रखा है, उसके बाद भी ये देखिए आप पीछे जो है वो रियर वाइपर चल रहा है। तो ये एक हिडन फीचर है इस गाड़ी में, जो कि कंपनी ने भी मुझे नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता था। 3 महीने गाड़ी रखने के बाद मुझे ये आज पहली बार जब बारिश हुई है तो मुझे पता चला है, क्योंकि मैं गाड़ी ज्यादा यूज नहीं करता और बारिश में हम लोग घर में ही रहना पसंद करते हैं। तो अभी मैं जब अपने कैंपस में ही गाड़ी को एक जगह से, जब ये ओपन पार्किंग में थी और जब मैं इसे क्लोज पार्किंग में, आप देख रहे हैं कि मैं अपनी उस गाड़ी के बगल में इसे क्लोज पार्किंग में लाने के लिए ला रहा था, तो मुझे ये फीचर अभी अभी पता चला और मैंने इसका वीडियो बना लिया।